सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वायरल हुए दो युवकों को भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर भागलपुर सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी सिटी 2 राकेश कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से नाथनगर थाना की पुलिस टीम ने हथियार के साथ वायरल दो युवकों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया कि वायरल फोटो का सत्यापन करने के बाद नाथनगर थाना अध्यक्ष ने दलबल के साथ वायरल फोटो में दिख रहे युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की, जिसमें दोनों युवकों को पुलिस ने एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र निवासी मनोज लाल के पुत्र चंदन कुमार और राधे हरि के पुत्र सन्नी कुमार के रूप में हुई है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अन्य मामले को लेकर डीएसपी राकेश कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से देसी कट्टा, एक कारतूस और दो खोखा बरामद किया है, जिसकी पहचान मधुसूदनपुर के गोलाहू निवासी अर्जुन यादव के पुत्र भवेश यादव के रूप में हुई है। सिटी डीएसपी 2 ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार अवैध शराब और मादक पदार्थ की छापेमारी के लिए भागलपुर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। नाथनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़का हाथ कट्टा पिस्टल लहरा रहा था। इसकी सूचना जब थाना अध्यक्ष महोदय को मिला, उनके द्वारा यह कि फोटो को सत्यापन किया गया। सत्यापन करने के बाद इस लड़का की पहचान चंदन कुमार के से हुआ, जो कि पुराण सराटा के रहने वाले हैं। इसके पहचान करने का उन्हें पकड़ा गया और उनके द्वारा बताया गया कि यह कट्टा या के सन्नी कुमार के पास रखा हुआ है। उसके कहने के अनुसार थाना अध्यक्ष महोदय ने उनका सम्मान किया गया, तो उसे घर से एक कट्टा बरामद किया गया। कुछ हिस्ट्री भी है उसका अपराधी, इसकी आपराधिक इतिहास पता की जा रही है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पीरपैंती प्रखंड कार्यालय परिसर में रविवार को मतदाता जागरूकता पर आधारित प्रखंड स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस भाषण प्रतियोगिता में प्रखंड विकास पदाधिकारी पीरपैंती, अंचलाधिकारी पीरपैंती, SDPO कहलगांव, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षक पीरपैंती और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में पीरपैंती प्रखंड के उच्च विद्यालयों से चयनित कुल 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता आयोजन का उद्देश्य भागलपुर के मतदाताओं को आगामी लोकसभा आम निर्वाचन में 100% भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए जागरूक करना है। प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित विषय भी निर्धारित किए गए थे: देश के विकास में मतदान का महत्व, मतदान कर्तव्य अधिकार, मतदान में युवाओं की सहभागिता, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका और लोकतंत्र बनाओ राजतंत्र, छात्र जीवन में राजनीति का महत्व था। प्रतियोगिता के दौरान छात्रों ने अपनी अभिव्यक्ति और तर्क शक्ति से संबंधित विषयों पर प्रभावशाली प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप 3 विजेता चुने गए, जिसमें प्रथम स्थान के लिए कनक, द्वितीय स्थान के लिए अंकित शर्मा एवं तृतीय स्थान के लिए समीक्षा रानी का चयन किया गया, जहां तीनों विजेताओं को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आगामी लोकसभा आम निर्वाचन में अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर रविवार को स्काउट गाइड भवन भागलपुर में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सचिव प्रवीण कुमार झा, कोषाध्यक्ष नीरज कुमार राय, जिला संगठन आयुक्त स्काउट गाइड विपिन कुमार सिंह और इंटर स्तरीय मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर के सहायक शिक्षक आशिक अनुपम ने संयुक्त रूप से दिलीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस दौरान सम्मानित पदाधिकारियों ने बाबा साहब द्वारा बताए गए सिद्धांत एवं आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। समारोह में स्काउट गाइड द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जबकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदान का महत्व बताकर सभी को मतदान करने और इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता दिखाई। इधर सभी प्रतिभागियों ने संविधान के महत्व पर चर्चा की और सभी लोगों से इसकी रक्षा एवं देश का सम्मान बढ़ाने के लिए कार्य करने की बात कही। वहीं भागलपुर जिला
जिला के साकुंड प्रखंड अंतर्गत सजौर पंचायत और किशनपुर अमखुरिया में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यकर्ता विनोद कुमार, राजकुमार, श्याम कुमार दास, पंकज चौधरी, विष्णु कुमार, आशीष कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को भागलपुर के तिलकामांझी स्थित एक विवाह भवन में जनता दल यूनाइटेड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सह लोकसभा चुनाव में भागलपुर के प्रभारी सुनील कुमार, जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, पूर्व विधायक सुबोध राय एवं लक्ष्मीकांत मंडल, प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी और जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती समेत कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया, जिसमें पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। वहीं इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में एनडीए के दलों द्वारा चुनावी मैदान में डटे होने की बात करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात कही। इसके अलावा जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, सुबोध राय और लक्ष्मीकांत मंडल ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन के चारों खाने चित करने का दावा किया। कई दिनों से हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न जगहों पर हमने सभाएं भी की हैं और पार्टी की भी की है सभाएं, एनडीए की भी बैठक हुई है और स्थिति यह है कि हर वर्ग एनडीए के हमारे जो उम्मीदवार हैं श्री अजय मंडल, उनका समर्थन कर रहे हैं, हर दल न सिर्फ दल के परंतु हर वर्ग के और ख़ास करके जो युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, बहन हैं, ये सभी हमारा समर्थन कर रहे हैं। भाजपा का कितना साथ मिल रहा है सर? भाजपा के लोग भी बिल्कुल हमारे साथ हैं और आज चुनाव की समीक्षा करने के लिए, जैसे कि माननीय पूर्व सांसद जी ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हुआ जिसमें जो हम सभी उपस्थित थे और ख़ास करके पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत से बहुत लोग आए हुए थे और सबको ने अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को रखा कि किस तरह से उन्होंने विकास का काम किया है, समावेशी विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है और समाज के हर वर्ग का उन्होंने काम किया है और इससे उनकी बातों से निश्चित रूप से जदयू के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारी जो एनडीए की एकता है तो बिल्कुल चुनावी एकता, बिल्कुल चट्टानी एकता की तरह हम लोग साथ मिल करके एक टीम के तरह काम करेंगे, उत्साह के साथ, मनोबल के साथ, एक रणनीति के तहत और हमारा जो लक्ष्य है